बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, अब हमने पार्ट वन डिस्कस कर लिया था इन क्वेश्चंस का। पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे AFNS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। और बस मैं यही कहूंगा कि पूरी वीडियो को, पार्ट वन को अगर आपने देख लिया है तो पार्ट टू को भी बिल्कुल उसी तरह से देखें, सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से। और जो आप लोगों से पिछली दफ़ा मैंने कहा था पिछले पार्ट में, दैट आप लोगों ने अब सपोर्ट करना है हमारे इस चैनल एजू स्मार्ट को 100K सब्सक्राइबर्स पर ले जाने के लिए। सो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हमारा 100K कंप्लीट हो सके। ये आप लोगों के ज़िम्मे है। आपने ही पहले सपोर्ट की है 74K पे लेके जाने की, एंड इस बार मैंने टारगेट सेट कर दिया कि हमने 100K पूरा करना है ये इंशाल्लाह इसी साल 2023 में। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है इसमें और इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करनी है, ठीक है। आई होप कि आप लाजमी अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में, अपने फैमिली मेम्बर से, जहाँ भी हो सका आप इसको लाजमी अचीव करने में मदद करें, ठीक है। ओके जी, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। 5 सेट के जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, पहले जो हमारा हुआ था लेक्चर उसमें, अब हमारा 6 सेट है। 6वें सेट में हमारा जस्ट 1 वर्बल का MCQs है और 8 नॉन वर्बल के MCQs हैं। इसके लिए 9 मिनट्स दिए गए। ये एनालॉजी का एक क्वेश्चन है बेसिकली, जो आप अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। आपने देखा कि ये जो पोर्शन हमें दिया गया है ये सर्कल के किस साइड पे लगा हुआ है? लेफ्ट साइड। ओके, अब ये जो पोर्शन हमें दिया गया है ये लगेगा राइट साइड पे, क्योंकि वो ऊपर का पोर्शन था इसलिए वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और वो लग गया इस साइड पे सर्कल। अब ये डाउन वाला पोर्शन हमें दिया गया है, जब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये लगेगा राइट साइड पे, और जो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा दैट इज अल्फा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम थी, सो मैंने सिंपल से ट्रिक्स के साथ आपको बता दिया। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू PF पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐड किया था इसलिए आपको समझा रहा हूं। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट पहली दो शेप्स की अरेंजमेंट देखनी है कि उन्होंने कैसे अरेंज किया इस शेप को इधर लाने के, वही हम अरेंजमेंट यूज करें। पहले जो घंटी है वो दूसरे नंबर पे आई, इट मींस के ये जो बल्ब टाइप शेप है ये दूसरे नंबर पे आएगा। आ गया जी। दूसरे नंबर पे जो स्टार है वो लास्ट पे गया चौथे नंबर पे, इट मींस के ये जो चंदा मामा है ये लास्ट पे चले जाएंगे। जब आप इन दोनों को अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन। समझ आ गई? यस। ओके, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी अभी एक और लड़की का मैसेज आया है कि कोई लड़की फ्रॉड कर रही है आपके साथ। मैं क्या करूँ? आप लोगों ने फ्रॉड से बचना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया देन यू कैन ज्वाइन बाय कॉन्टेक्टिंग अस ऑन दिस ऑफिशियल नंबर 0306-88-92-200। आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग समझते नहीं हो। कोई भी आपको कहता है सरफेजान जो है ना, वो हम सरफेजान हैं, हम एजू स्मार्ट से हैं, और आप उसको फीके कर देते हैं। ऐसे ना किया करो पुत्र, फेक और फ्रॉड लोगों से बचा करो। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर दिस नंबर एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। हरिया 15 दिन का सेशन स्टार्ट है, 15 दिन में मुकम्मल तैयारी। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कम्प्लीट द सीक्वेंस एंड सीरीज प्रॉब्लम फिगर जो है ना वो आपके सामने हमने दे दी।
अब आपने देखा कि सिक्स कॉर्नर वाली जो शेप थी ये चेंज हुई फाइव कॉर्नर्स वाली शेप में, और जो फोर कॉर्नर्स वाली शेप थी ये चेंज हुई थर्ड कॉर्नर्स वाली शेप में, थ्री कॉर्नर्स। देख लिया आपने, अब थ्री कॉर्नर या तो अल्फा में मौजूद हैं या चार्ली में मौजूद हैं, बीटा भी गया, डेल्टा भी गया, ईटा भी गया, गया ना? यस। अब आप करो जी जैसे उन्होंने किया, दो वाइट सर्कल थे वो दोनों बाहर आ गए और अंदर ब्लैक आ गया, अब दोनों वाइट बाहर निकाल दो अंदर ब्लैक, वो जस्ट अल्फा में मौजूद है, चेक कर। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ये फोर ऑप्शंस की एक सीरीज है, इसको आपने हल करना है और खुद हल करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। मैं ये पार्ट वन में हल करवा चुका हूँ, पार्ट वन अगर नहीं देखा तो उसको जाके रिव्यू करें, पार्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 50 MCQs हल करवाए हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो 9 ऑप्शन सीरीज, आपने चीजें पूरी करनी है, पहले इस सीरीज को आप देखें, कितने कलर नजर आ रहे हैं, ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लू सा कलर है, ऐसा ही है। अब आपने ये चारों तीनों चीजें पहले पूरी करनी है, इधर ब्लू कलर आ गया सर्कल में, ब्लैक कलर आ गया, इट मींस कि अब जो सर्कल आएगा वो वाइट कलर का होगा, ईटा भी गलत, एफ भी गलत, अल्फा भी गलत, बीटा, चार्ली या डेल्टा, इनमें से आप कोई ऑप्शन आएगा। अच्छा जी, अब ट्राइंगल पे आ जाओ, ट्राइंगल जो अंदर है ये ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है, वाइट कलर की है, हमें अब ब्लैक कलर की मिल गई, वाइट कलर की मिल गई, अब हमें चाहिए ब्लू कलर की, ब्लू कलर की बीटा में है, चार्ली में है, डेल्टा भी गलत हो गया। अब सर जी हम क्या करें, आपने देखा कि इधर दो दो शेप ऐसी हैं जिनके ऊपर ऊपर हैं जी ये जो सिंबल्स हैं, और एक शेप हॉरिजेंटल है, नीचे हमारे पास कोई भी हॉरिजेंटल वाली नहीं है, और हॉरिजेंटल वाली इधर सिर्फ बीटा है, तो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस आर सीरीज, सीक्वेंस या सीरीज को कंप्लीट करने के लिए सुइटेबल ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करें, तो करें सिलेक्ट जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अगर आप इन दोनों शेप्स को देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ आएगी, ट्राइंगल के अंदर सर्कल था तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा, सर्कल के अंदर सिक्स कॉर्नर वाली शेप है, इट मींस के पिछली जो शेप थी उसमें सिक्स कॉर्नर वाली शेप के अंदर सर्कल था, जस्ट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज है। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सीक्वेंस, आपने देखा कि फोर इधर सर्कल्स हैं जिसमें से एक वाइट सर्कल है और किसी के ऊपर भी लाइन नहीं लगी, अब व्हाइट कलर घूमता जाएगा, व्हाइट कलर क्या करेगा, घूमता जाएगा, अब हमें जो व्हाइट कलर चाहिए वो इस वाले सर्कल में चाहिए, सर जी चार्ली के अलावा बाकी सब में तो उधर ही है, बीटा में, डेल्टा में भी नहीं, ठीक हो गया, हमें जो लाइनें चाहिए वो दो चाहिए, अभी दो लाइनें विद बीटा, ये जो सर्कल है ये किधर है, जस्ट इन बीटा, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। विच वन इज ऑड मैन आउट, आपने देखा ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, यस, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, यस, सर्कल के अंदर सर्कल है, यस, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, यस, लेकिन चार्ली में पेंटागोन के अंदर चार्ली सर्कल क्यों है, सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, यस, ओ यस। कंप्लीट द सीरीज, अगर ये सीरीज भी आप कंप्लीट ना कर सकें तो फिर मैं आप लोगों से क्या कहूं, कुछ भी ना कहूं, ये आपने खुद करनी है, टेक स्क्रीनशॉट, इट्स योर असाइनमेंट, टेक स्क्रीनशॉट, इट्स योर असाइनमेंट। एमसीक्यूज का सेट नंबर 7 आ गया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 7 वर्बल के एमसीक्यूज और जस्ट 2 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज होंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए 8 मिनट्स आप लोगों को दिए गए हैं। विच वन इज ऑड मैन आउट, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग देखो ए में टाइम कितना बचा हुआ है,
ए में कितना टाइम है? तो आप लोग कहोगे सर जी यहाँ पे टाइम है 6 बज रहे हैं। ए में क्या बज रहा है टाइम? 6। बीटा में कितना टाइम है? देखो जरा सर जी 3 बज रहे हैं। चार्ली में कितना टाइम है? देखो जरा नहीं समझ आया, छोड़ो इसको अभी रहने दो। चार्ली को डेल्टा में क्या टाइम हुआ है वो देखो जरा सर जी 9 बज रहे हैं। ईटा में कितना टाइम है वो देखो जरा सर जी दोबारा से 6 बज रहे हैं। लेकिन चार्ली का आप लोगों ने अभी तक मुझे बताया नहीं कि टाइम क्या हुआ है। सर जी 6:30, आपका दिमाग खराब है? अगर 6:30 बजे तो जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ी सी आगे हो, दरमियान में होती है 6 और 7। यहाँ पे अगर 6 है यहाँ पे 7 है तो जो घंटे वाली सुई है छोटी वाली वो दोनों के दरमियान होती है। इट मींस के जो चार्ली में आपको टाइम दिखाया गया है ये टाइम होता ही नहीं, ये कभी घड़ी में बनता ही नहीं, सुइया कभी 6 पे ऐसे आती ही नहीं। सोचो अब आज पूरा दिन आपने घड़ी देखनी है फिर आपको पता चलना है कि ये टाइम होता है या नहीं होता। राइट ऑप्शन इसका चार्ली। स्प्रिंग रोल आ गए जी, स्प्रिंग रोल आ गए, स्प्रिंग रोल आ गए। खुद हल करोगे? आई थिंक करोगे सर जी। वो कैसे कि देखो 3 स्प्रिंग हैं, 4 स्प्रिंग हैं, 5 स्प्रिंग हैं, इधर 3 आ गए, सीरीज खराब कर दी बंदर ने। राइट ऑप्शन डेल्टा। कितना आसान है, जस्ट काउंटिंग करनी है। स्प्रिंग के जो हेलिक्स हैं, हेलिक्स ही आई थिंक बोलते हैं इसको, हाँ हेलिक्स जो हैं ये 3 हैं पहले में, फिर 4 आ गए, फिर 5 में आ गए, अब 6 आने चाहिए जो कि ईटा में मौजूद हैं। लेकिन डेल्टा ने हमारी सीरीज खराब कर दी, डेट्स वाई ऑड मैन आउट विल बी डेल्टा। 5, 10, 8 बताओ भाई क्या होगा, ये आपने खुद करना है, मैं नहीं बता रहा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। z इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, देन v इज इक्वल टू व्हाट? 5। यस, एबीसी उल्टी काउंट कर लो, अगर z 1 है, x 3 है, y 2 है तो v क्या होगा? 5 ही होगा। डॉग इज टू पप्पी, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी। टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? कब। लाइन के बच्चे को भी कब, ल्यूपर्ड के बच्चे को भी कब। विच कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2413, 2420, 2434, 2462, 2518। अगर आप इस सीरीज को देखो तो आपको कुछ समझ आएगा। 13 में कितने जमा किए तो 20 बनते हैं 7, 20 में कितने जमा करो तो 14 जमा करो, 14 में कितने, 34 में कितने जमा करो तो 62 बनते हैं 28। कुछ समझ आ रहा है? अब आगे क्या, 62 में कितने जमा हुए? 56। अब 56 का दुगना करके जमा कर दो 2518 में, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इफ सेकेंड नंबर इज एडेड टू शॉर्टेस्ट एंड डिवाइडेड बाय थर्ड देन आंसर विल बी। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कौन सा है? 14। कहते हैं 14 नंबर को अगर शॉर्टेस्ट में ऐड करो, 14 जमा 2 कितने हो गए? 16। और इसको डिवाइड करो थर्ड नंबर के साथ, 4 पे डिवाइड कर दो तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। मुझे आप लोग ये बता दो सिंपली, व्हाट इज मीन्ड बाय यस्टरडे? गुजरा हुआ कल, यस यस। तो अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे है तो डे आफ्टर टुमारो विल बी क्या होगा बताएं? आने वाले कल से अगला दिन, यस्टरडे हो गया फ्राइडे, टुडे हो गया सैटरडे, आने वाला कल हो गया संडे, आफ्टर टुमारो हो गया मंडे। राइट ऑप्शन विल बी मंडे। राइट ऑप्शन विल बी मंडे। ट्रेन स्पीड इज डबल देन डेट ऑफ अ कार एंड द कार ट्रेवल 30 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस डस ट्रेन विल बी कवर इन 30 मिनट्स। सिंपली अगर ट्रेन की स्पीड डबल है कार से,
कार 1 घंटे में जितना सफर तय करेगी उतना ही सफर ट्रेन आधे घंटे में करेगी। राइट ऑप्शन थर्टी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है 8 MCQs हैं इस सेट में जी, और 7 वर्बल के 2 नॉन वर्बल के, 8 मिनट है सॉल्व आउट करने। सेट नंबर एट, ये इसे हम मिसिंग सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन आपने कंप्लीट करना होगा। अगर आप इस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो आप एक लाइन इधर को लगाएंगे और इधर करके इधर भी एक करेंगे ना, ऐसे करके। तो आप देख लें कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। मेरे लिहाज से तो बीटा बन रहा है, आप लोगों का पता नहीं। चूज सुइटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द मिसिंग सेक्शन प्रॉब्लम। फिर से इसको कंप्लीट करो। पहले तो ये लाइन लगेगी, लग गई। अब आप देखो कि पहले जो ब्लैक और व्हाइट में, थोड़ा इसको ज़ूम, हाँ जी नजर आ रहा है। अब आप देखो जस्ट वन मिनट, अच्छा जी अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि इस लाइन की तरफ पहले ये वाइट ब्लैक है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। इट मींस कि हमें जो अब चाहिए वो किस साइड को होगा, वो होगा इस साइड, इधर ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास आएगा दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई। इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है जिसमें 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1500 में से 1200 जो हैं वो प्रेजेंट, तो एब्सेंट कितने हुए 300। आपने बताना है परसेंटेज, आपने क्या बताना है परसेंटेज, किनकी परसेंटेज, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट की परसेंटेज बतानी है ना। 1200 को ऊपर रखें, 1500 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपको आपका जवाब मिल जाएगा सिंपल। अकबर इज ओल्डर देन अहमद, अकबर जो है वो बड़ा है अहमद से, ये तो आपको पता चल गया, और उमेर बड़ा है अकबर से। अब बताओ जी सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली उमेर होगा, उमेर ही होगा ना। आदिल 5 ईयर्स, ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं पहले, ऊपर ही ऊपर पार्ट वन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज योर असाइनमेंट, और जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ इनको लाइट ना लें प्लीज। जब आप पेपर में बैठेंगे आप देखेंगे यही सारे क्वेश्चन पेपर में हैं, फिर आप रोएंगे अगर आपने नहीं की होगी असाइनमेंट। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, स्ट्रेट बोल रहा हूँ, रोएंगे वाकई अगर आपने ये असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस को ध्यान से ना देखा तो। शिप इज टू वाटर, कश्ती किस पे चलती है, पानी पे, और एरोप्लेन हवा में। टेक 90% ऑफ 100 एंड देन अगेन 90% ऑफ आंसर। 90% ऑफ 100 क्या होता है, 0 से 0 काट दो 90 आंसर आ गया, 90 का 90% फिर क्या होगा 80, राइट ऑप्शन 80। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कराची, काबुल, ढाका, दिल्ली, दिल्ली इंडिया का कैपिटल, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल, कराची ओल्ड कैपिटल है पाकिस्तान का बट कैपिटल नहीं है अब प्रेजेंट डे, सो द राइट ऑप्शन विल बी कराची। इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड एज, इसको उल्टाया उन्होंने वर्ड में, आप भी इसको उल्टा दें 2334 जस्ट, ये आपका सुना जाएगा। MCQs सेट नंबर 9, यस सेट नंबर 9, इसमें 6 वर्बल 2 नॉन वर्बल के MCQs हैं, टोटल 8 मिनट्स हैं आपको सॉल्व आउट करने। 9 ऑप्शन का ये MCQs है। आपने देखा स्टार जो है ये कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये भी आप भी इधर यही करेंगे, स्टार ऊपर गया है अब इधर चला जाएगा, राइट ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। जस्ट स्टार जो है मूव कर रहा है फ्रॉम वन स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर।
ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। बहुत सिंपल है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। आंसर अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं आंसर इज ए, लेकिन खुद आपने ये सॉल्व आउट करना है। मैंने असाइनमेंट दिया आपको, कलर ट्राइंगल्स का देखें, ट्राइंगल के अंदर जो स्टैंड बना हुआ है नीचे उसकी कितनी टांगे हैं, सर्कल की मूवमेंट देखें किधर किधर जा रहा है। विच अल्फाबेट डज नॉट चेंज इट्स शेप इन मिरर, मिरर करने से कौन सा जो अल्फाबेट है वो चेंज नहीं होगा। ए का मिरर इमेज करेंगे ए ही रहेगा, यू का मिरर इमेज करेंगे यू ही रहेगा, ओ का मिरर इमेज करेंगे ओ ही रहेगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल, कोई भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा इन मिरर। विच लुक्स सेम इन मिरर एज लाइक, अगर आप मेरे पेड कोर्स में पढ़ते हैं ना तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा मेरे से। मैंने आपको बोला था कि जिसकी तरतीब दोनों साइड से एक जैसी है ना, वो जवाब आपने लगा दें, जिसकी तरतीब दोनों साइडों से एक जैसी है। लाइक देखो टी आई टी टी आई टी टी आई टी, अगर इधर से भी पढ़ोगे तो ये बिल्कुल सेम तरतीब है दोनों साइडों से। सो अल्फा ही राइट ऑप्शन, जिसकी सेम तरतीब होगी। इसका अगर आप मिरर करें, मिरर होता क्या है, लाइक मेरा नाम आप लोग जानते हो, क्या है नाम, सर मोहम्मद फैजान, लेकिन फैजान ही नाम है। इसका अगर मैं मिरर इमेज करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ, ए सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जी ए एम, ऐसा कुछ, ठीक हो गया, ये फैजान का मिरर इमेज है। इसी तरह जब आप टी आई टी टी आई टी टी आई टी इसका मिरर इमेज करोगे ना तो क्या आएगा, पहले इधर से ये उल्टा हो जाएगा ना, टी आई टी टी आई टी टी आई टी, मींस ये सेम रहेगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, बाकी सबका मिरर आप खुद चेक कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। विच वन इज आउट, ऑड मैन आउट, पांडा, बाबून, एप, चिंपैंजी, मंकी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज पांडा, क्योंकि बाकी सारी बंदरों की किस्में हैं। विच इज ऑड मैन आउट, इधर चला जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, विच इज ऑड मैन आउट, हॉक, डॉल्फिन, ह्यूमन, नॉन, राइट ऑप्शन है इसका हॉक। व्हाई वी बॉइल वाटर टू किल द जर्म्स, कंप्लीट द सीरीज, 2, 6, 14, 30, 62, हाँ जी भाई करो इसको कंप्लीट, 2, 6, 6 कैसे कैसे आ सकता है, 4 जमा करके भी आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, 3 से जरब देखे भी आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, लेकिन कुछ और आ रहा है। देखो 2 में जमा करो 4 तो आएगा 6, 6 में जमा करो 8 तो आएगा 14, 14 में जमा करो 16 तो आएगा 30, 30 में जमा करो 32 तो आएगा 62, अब 62 में जमा करोगे 64 तो आएगा जवाब 126, यस, समझ आ गई, आसान सी सीरीज। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, एमसीक्यू सेट नंबर 10, पर्सनैलिटी टेस्ट के 9 MCQs हैं और 3 मिनट थे इसको सॉल्व आउट करने के लिए। यू आर ब्रेव एंड सेल्फ मोटिवेटेड, यस यू हैव टू एग्री दिस, या आप स्ट्रांगली एग्री भी, सॉरी डिसएग्री लगा दिया, स्ट्रांगली एग्री भी आप कर सकते हैं। यू क्राई फास्ट ऑन योर फेलियर, जब आप क्या कहते हैं फेल हो जाती हैं किसी चीज में तो आप जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, इट्स अ क्वालिटी ऑफ ए लूजर। सो यू आर एन ऑफिसर, आपको अपनी गलतियों से सोच सीखना चाहिए ना के रोना चाहिए उन पे। स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। यू लाइक टू वर्क इन अ टीम रेदर देन इंडिविजुअल, स्ट्रांगली एग्री, आर्मी इज अ टीम Not a work of an individual. You are a regular student but sleep late at night. आप एक regular student हो लेकिन रात को लेट सोती हो, अगर रात को लेट सोती हो तो फिर रेगुलरिटी कहाँ से आई, ये फंसाने के लिए है, तो यू कैन डिसएग्री विद दिस।
असल क्वेश्चन ये है, स्लीप एट नाइट, लेट एट नाइट, ये असल क्वेश्चन है। यू आर केयरिंग एंड लविंग, यस, ये कोफिशिएंट की क्वालिटी है कि वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, वो शफीक होता है। स्ट्रॉन्गली एग्री, आर एग्री, राइट ऑप्शन। यू फील योर सेल्फ यूजलेस आफ्टर फेलिंग, जब आप फेल हो जाती हो तो आप अपने आप को ऐसे फील करती हो लाइक यू आप तो किसी काम की नहीं, यूजलेस है। स्ट्रॉन्गली दिस है, नो, ऐसा नहीं है, मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ और फिर मजीद अच्छे से आती हूँ। यू आर अफ्रेड ऑफ हाइट, नो, एग्री, हाँ, हाइट से अफ्रेड होता है, बट हाइट ये नहीं बताया कि उन्होंने कह दिया 200 फीट हाइट, उन्होंने जस्ट हाइट बोला, हाइट एक फीट की भी हो सकती है। सो यू जस्ट डिसएग्री, नॉट स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और एग्री, ओके। यू कैन मैनेज योर वर्क इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, द फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट मींस जो कि बड़ी जल्दी चेंजेबल होता है, जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। यू कैन मैनेज, यस, एग्री। Your parents horrify you all the time. Strongly disagree. आपके अब्बा जान आपको हमेशा डराते रहते हैं, तुम से ना हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। Strongly disagree. You entertain people with your fun. आप अपनी fun से लोगों को entertain करती हो। Yes, agree कर दो simply. Lecture खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अब आप लोगों के लिए सिंपल सा एक अनाउंसमेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स एंड क्विक प्रिपरेशन कोर्स। रैपिड की जो फी है दैट इज 4500 रुपीज, इसमें 15 दिन में तैयारी करवाई जाती है। क्विक प्रिपरेशन कोर्स की जो फी है दैट इज 2500 रुपीज। और अगर आप इस वीडियो से आ रही हैं मुझे मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना, तो आपको इसमें 10% की कंसेशन, यानी यू विल पे योर फी 4,450 रुपीज फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स एंड 2,250 रुपीज फॉर क्विक प्रिपरेशन कोर्स। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है दैट इज ओनली 1-03-06-89-2208। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है कि मैं फैजान हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ, तो वो झूठा है, फेक है, फ्रॉड है। मैं कितनी दफ़ा ये वर्ड बोलूँ, मुझे खुद शर्म आने लग गई है फ्रॉड फेक बोल बोल के, बट उनको शर्म नहीं आती। बहुत सारी जो है ना वो गैंग बना के लड़कियां जो है ना वो काम कर रही हैं ये कि मेरे लेक्चर उनके पास है और वो उनको सेल कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 03-06-89-2208 और ज्वाइन कर सकती हैं। पहले आप इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद आप ज्वाइन करें, बट हरी अप। 15 दिन का हमारा ये सेशन है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स का। 4500 रुपीज में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगी और जो बकिया लेक्चर हैं वो आप लाइव क्लासेस लेंगे, एज वेल एज हमारी डेली बेस पे क्विज हो रहे हैं वो ज्वाइन करें आके। और जो हमारा AFNS का फ्री मॉक टेस्ट 2 होगा, ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट 2, वो 6 अगस्त को शेड्यूल है, 6 अगस्त को आप वो भी कर सकेंगे, आज शाम को या कल सुबह इंशाल्लाह उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्टर्ड होके आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, 6 अगस्त को इंशाल्लाह वो टेस्ट होगा, उसका सिलेबस भी आज शाम को आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। सो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो 100K के लिए वर्क करें, हमारे चैनल एजुस्मार्ट पे 100K कंप्लीट करवाएं, जैसे भी करवाएं, अपनी फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कॉलेज कोलीग से, जहाँ पे भी आप हैं इसको सब्सक्राइब करवाएं और 100K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करवाएं। ये हमने टारगेट इंशाल्लाह 2023 में अचीव करना है। सो आप लोगों ने सपोर्ट करना है इसमें, ठीक है। और दूसरी ये बात, फ्रॉड लोगों से बचो, फेक लोगों से बचो। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है। वो क्या कहते हैं, हमारी कोई भी शाख नहीं है, नकालों से होशियार। ओके ओके जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स।